Our YouTube channel dosto, today we are going to tell you about how to write a essay on pollution problem, write English paragraph on pollution problem. आप दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं प्रदूषण के जो कारण हैं, जो समस्या है प्रदूषण के, उसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. There are many types of pollution. प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं. There are many types of pollution. Many types मतलब दोस्तों होता है कई प्रकार के. There are many types ऑफ पोल्यूशन. प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं. जस्ट लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन आर द मेन वंस. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से हैं. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. ब्रीथिंग in contaminated air is harmful. It causes many diseases. वायु अर्थात हवा जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी है. दूषित हवा में सांस लेना हानिकारक है. इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है. उसके दोस्तों आता है सेकंड नॉइज पोल्यूशन. टुडे बिग व्हीकल्स ऑन द रोड एंड प्लेइंग सॉन्ग्स इन लाउड वॉइस इन वेडिंग्स एंड पार्टीज काउजेस नॉइज पोल्यूशन. आज सड़क पर बड़ी गाड़ियां और शादियों पार्टियों में तेज़ आवाज़ में गाने बजना, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है. आफ्टर दैट हम आते हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन, वाटर ऑक्यूपाइज 70% ऑफ आवर बॉडी. जल हमारे शरीर में 70% का हिस्सा रखता है. द बिगेस्ट रीजन फॉर द प्रेजेंस The biggest reason for the presence of humans on the earth is also the availability of water. धरती पर इंसानों की उपस्थिति जो है सबसे बड़ा कारण भी जल की उपलब्धि होना ही है. Today the water is getting contaminated. दूषित होना दोस्तों कहते हैं contaminated, ड्यू टू विच थ्रोइंग द गार्बेज ऑफ बिग फैक्ट्रीज इन द वॉटर. आज जल वॉटर इज द रीजन फॉर वॉटर पोल्यूशन. आज जल दूषित हो रहा है जिसका कारण बड़े बड़े कारखानों के कचरा, जो गार्बेज होता है दोस्तों, कचरा को हम गार्बेज कहते हैं. कचरा को जल में फेंकना जल प्रदूषण का कारण है. टुडे द वर्ल्ड्स मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इज पोल्यूशन. आज विश्व का सबसे गंभीर समस्या है प्रदूषण. पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. आज प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है. तो भारत में भी प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है. पोल्यूशन स्पाइसेस प्रदूषण के कारण सभी पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव जाति और जीव जंतु, ह्यूमन स्पाइसेस मानव जाति एंड एनिमल और जीव जंतु प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फेसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेडली डिजीज. प्रदूषण के कारण सभी पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव जाति जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. डेडली डिजीज मिस घातक बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है. फेसिंग मिस होता है दोस्तों सामना करना. टू इंक्रीज पोल्यूशन, प्रदूषण के बढ़ाने में ओवर यूज़ ऑफ फैक्ट्रीज साइंटिफिक टूल्स आर टू ब्लेम. प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग दोषी है.
ड्यू टू पॉल्यूशन द हेल्दी लाइफ ऑफ ह्यूमन, प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। ड्यू टू पॉल्यूशन द हेल्दी लाइफ ऑफ ह्यूमन हैज़ बिकम इन डेंजर, प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया। द साइकिल ऑफ वेदर इज डिस्टर्बड ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मौसम का चक्र बिगड़ा है। टू अवॉइड पोल्यूशन, प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। टू अवॉइड पोल्यूशन मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, हरियाली की मात्रा अधिक हो। द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी शुड बी हाई, हरियाली की मात्रा अधिक से अधिक हो। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों। देयर शुड बी डेंस ट्रीज अलोंग द रोड्स। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए। द फैक्ट्रीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन। टू कर्ब पॉल्यूशन completely man has to stop all the work which is responsible for pollution। प्रदूषण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए मनुष्य को वह सारे कार्य बंद करने होंगे जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। There is a need to control pollution, पृथ्वी और प्रकृति के हित के लिए प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड टू कंट्रोल पॉल्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अर्थ एंड नेचर। प्रदूषण पृथ्वी और प्रकृति के हित के लिए प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता